सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो को ओपन करेंगे, विजुअल स्टूडियो 2010। अब इसमें क्या करेंगे, हम फाइल के अंदर जाएंगे, फाइल में न्यू न्यू वेबसाइट या प्रोजेक्ट, इसके अंदर आप दोनों चीज़ें बना सकते हैं, ऑफलाइन प्रोजेक्ट और ऑनलाइन प्रोजेक्ट। ऑनलाइन प्रोजेक्ट में आते हैं वेबसाइट और ऑफलाइन प्रोजेक्ट में आते हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर वगैरह, कि रेस्टोरेंट का सॉफ्टवेयर, स्कूल सॉफ्टवेयर, जो भी है। अब वो सिस्टम सिर्फ एक सिस्टम में चलता है, तो हम आज बात करेंगे कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं। स्टार्टिंग फर्स्ट एप्लीकेशन, वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है, एक दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक तो विजुअल बेसिक और सी। इसके अंदर दो लैंग्वेज, एक तो सी शार्प में आप क्रिएट कर सकते हो, एक विजुअल बेसिक के अंदर। मैं यहाँ सी शार्प के अंदर इसको स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके की वेबसाइट है, ASP.NET वेबसाइट, रेड कंट्रोल वेबसाइट, ASP.NET MPT वेबसाइट, इस तरीके की। हम इन सभी को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ एक वेबसाइट को यूज करेंगे, यहाँ पे जो सिलेक्टेड है एम्प्टी वेबसाइट। इसके अंदर अलग अलग तरीके से आप फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर सकते हो कि 2008 के थ्री किसी बनाना है, तो 2005 के तरीके से बनाना है, या फिर 2010 के तरीके से बनाना है आपको। तो मैं लेटेस्ट वर्जन सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से सिर्फ सेलेक्ट, यहाँ से अपनी वेबसाइट का नाम चेंज कर सकता हूँ। मैंने अपना नाम दे दिया, फर्स्ट वेब एप्लीकेशन। तो यहाँ से दोस्तों देखो, मैं यहाँ पे मेरे को डिफ़ॉल्ट में ई पाथ दिखा रहा है, मैं यहाँ से अपना पाथ भी चेंज कर सकता हूँ, ब्राउज करके किसी भी फोल्डर का नाम दे सकता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक वहाँ पे सेव हो जाता है। तो जैसे मैंने ओके किया, ओके करने के बाद ये मेरे पास सिंपल इस तरीके से शो कर रहा है। इसके अंदर मैंने एम्प्टी वेबसाइट सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक वेब कॉन्फ़िगरेशन फाइल दिखाएगा। इसको मैं ओपन करता हूँ, इसके अंदर कुछ नहीं, जस्ट ये सेटिंग है कि आपने कौन सा वर्जन सेलेक्ट किया हुआ है, और ये छोटी सी सेटिंग है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ दोस्तों। मैं इसके अंदर एक नया पेज ऐड करता हूँ, राइट क्लिक किया, सॉरी, इस पर मैंने राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम। न्यू आइटम के अंदर भी सारे मेरे को काफ़ी सारे वेब पेजेस वगैरह, अलग अलग क्लासेज फाइल, अलग अलग तरीके की फाइलें दिखाएगा। सिर्फ मेरे को क्या करना, सिर्फ और सिर्फ वेब फॉर्म, वेब फॉर्म पे क्लिक किया, यहाँ पे अपना नाम चेंज कर सकते हो, इंडेक्स, और कुछ नहीं करना। ऐड किया मैंने, ऐड करने के बाद ये मेरा इंडेक्स पेज ऐड हो गया और ये मेरे को शो हो गया। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरी प्रॉपर्टी विंडो है, यहाँ किसी भी, मैं इसको यहाँ से लॉक कर सकता हूँ, इसको अनलॉक कर सकता हूँ, लॉक करूँगा तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, ये मेरे को साइड में शो होता रहेगा। अब जैसे मेरे को किसी भी डिव को या किसी भी टैग को या किसी भी कंट्रोल को सेलेक्ट करता हूँ, तो साइड में इसकी प्रॉपर्टी खुल जाती है कि हम इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि नाम हो गया, कोई क्लास होगी, या फिर डिसेबल, विजिबल, आईडी, कुछ जिस इस तरीके से हम किसी भी तरीके की इसको आईडी वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह सेट कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के बाद आते हैं देखो तो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम जितनी भी हमारे टाइप की फाइल ले, इमेजेज है, जावास्क्रिप्ट की फाइल है, जेक्वेरी की फाइल है, सीएसएस फाइल है, इस तरीके की हम ये सारी की सारी फाइलें यहाँ पे देख सकते हैं, किसी भी टाइम ओपन कर सकते हैं, किसी भी टाइम इसको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर आता है टूल बॉक्स। इसके अंदर डॉट नेट के हमें काफ़ी सारे टूल प्रोवाइड करती है, तो क्या ताकि हमारे इसमें काफ़ी हेल्प हो सके। तो इसको देखो, इतने सारे ये टूल बॉक्स है, ये सारे के सारे इसके अंदर यूज होते हैं। हम एक एक करके इसको यूज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो क्या करते हैं, जैसे कि मैंने कोई कोई बटन यूज करना, तो मैंने क्या किया, बटन उठा के और ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। तो ये क्या करेगा, एक मेरे को पास बटन शो हो जाए। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब मैं इसको प्रॉपर्टी में जाऊँगा, तो ये मेरे पास जितनी बटन की प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी यहाँ सेट हो जाएगी। जैसे मेरे को बैकग्राउंड कलर सेट करना है, जैसे मैंने बैकग्राउंड पे क्लिक किया, ये मैंने जैसे मैंने कोई कलर चूज किया, ओके, तो ये ऑटोमेटिक ये कलर आ गया। अब यहाँ पे आप टाइप करके भी लिख सकते हो और यहाँ पे प्रॉपर्टी डायरेक्ट भी सेट कर सकते हो। इसके अंदर दोनों ऑप्शन है। आप डिजाइन व्यू देखना चाहते हो तो यहीं से देख सकते हो अपना टेम्परेरी डिजाइन, कि मेरा जब वेब पेज में इसको शो करूँगा तो मेरे को किस तरीके से डिजाइन शो होगा, या स्प्लिट करके देख सकते हो कि ऊपर कोडिंग कर सकते हो इसके, और नीचे की साइड आप इसका प्रीव्यू देख सकते हो। जैसे कि मैंने क्या किया, इसका फोर कलर सेलेक्ट कर दिया, फोर कलर इक्वल टू कुछ भी, मैंने कुछ भी दे दिया, जो दे दिया, ठीक है। तो ये देखो कलर चेंज हो गया इसका। जैसे मैं इसका फोर कलर में इसका वाइट दे देता हूँ, वाइट, अब सेव किया, यहाँ पे ये वाइट आ गया। अब सबसे पहले दोस्तों मैं इसका
पूरा डिजाइन भी देखना चाहता हूँ, डिजाइन भी देख लूंगा। अब मैं इसको दोस्तों रन करता हूँ, अपने वेब ब्राउजर में चेक करना चाहता हूँ कि फाइनली मेरी आउटपुट किस तरीके की आएगी। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे रन करूँगा। ये मेरा स्टार्ट डिबगिंग, ये मेरा रन करने का बटन है। या मैं डायरेक्ट F5 पे क्लिक कर दूंगा, या फिर मैं F5 ये इस पे बटन पे क्लिक करूँगा। मैंने इस पे बटन पे क्लिक किया, ये फर्स्ट टाइम ये ऑप्शन मांगता है, आपको जस्ट ओके करना है। ओके करने के बाद आपको ये वेब ब्राउजर में जो आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उसके अंदर ऑटोमेटिकली शो कर जाएगा, ये मेरा ये बटन शो कर गया। जो भी मैंने प्रॉपर्टी सेट की है वो सारी की सारी इसके अंदर शो होगी। अब मैं यहाँ से इसको स्टॉप कर सकता हूँ, आपके अभी फिलहाल ये रनिंग में है, आप इसको स्टॉप करके आप कुछ भी और चेंज कर सकते हैं। इसमें देखो टूल बॉक्स गायब हो गया। अब जैसे इसको मैं स्टॉप करूँगा तो ये टूल बॉक्स गायब हो जाएगा, सॉरी शो हो जाएगा। आप इसको भी लॉक या अनलॉक कर सकते हो। तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको आगे की स्लाइड में आपको देखते रहिए। थैंक यू सर।